सेवा समिति ने किया है। राम सेवा समिति अगर इस कथा के आयोजक हैं, तो ये सारे श्रोता समायोजक हैं, इसलिए सब अपने दायित्व का निर्वाह करें, मेरा निवेदन है। आरती उतार लो की बात आती है ना, कर लो नहीं, आरती उतार लो। हम अपने इष्ट के कष्ट को उतार लेंगे, लेकिन इष्ट को कष्ट नहीं होने देंगे। और जब ये भाव आ जाए ना, तो इष्ट आपको कष्ट होने ही नहीं देते। हम जहां भी कथाएं करते हैं, कुछ लोगों को लगता है, तो जिनको नहीं लगे वो आयोजन करके भी देख लेना। कुछ लोग लगते हैं ना अंडर सेटिंग होगी, अंडर स्टूड होगा, यहाँ कुछ नहीं अंडर स्टूड है। श्रीमद् भागवत कथा कहीं भी कोई भी आदमी आयोजन करता है। हम अपनी गाड़ी से आते हैं, नहीं रहा तो कई बार पैदल भी आना पड़ता है। आया मौज फकीर के दिया झोपड़ा फूल, कथा करते हैं। रुक्मणी स्वयंवर में जो भी दान का सामान आता, गरीब महिलाओं में बंटवा कर चले जाते हैं। धान्य आया गौशाला में, गरीबों को देकर चले जाते हैं। और रही बात है चिकित्सा शिविर वगैरह की व्यवस्था, तो ये राम सेवा समिति से एडवांस या किसी से लेकर नहीं आता, ये सिर्फ अपनी फार्मेसी से अपनी तरफ से बना करके लाया जाता है। क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि अगर मुझे किसी ने ऊपर उठाया, तो मुझे सबको उठाकर चलना चाहिए। नर में नारायण देखने की आदत है। जहाँ भी कोई भी व्यक्ति चाहे आयोजन करे, शिविर करे, लेकिन आप सबसे आज एक निवेदन करूंगा, आप लोग समायोजक बनिए। श्रीमद् भागवत कथा की ओर चल रहे हैं। देव ऋषि नारद की लोग उपमा देते हैं कि नारद जैसा, अरे रे रे रे, इतना पाप मत करो यार उस देव ऋषि। मैं कहता हूं कि देव ऋषि नारद अगर कलयुग में आए, तो फिर से सतयुग आ जाए। देव ऋषि नारद ने शौनक आदि से अगर विचार मंथन नहीं किया होता, तो सत्यनारायण कथा का श्रवण मिलता? देव ऋषि नारद ने अगर भगवान विष्णु को श्राप नहीं दिया होता, तो रामावतार नहीं होता। कंस की बुद्धि भ्रष्ट करके अष्टकमल की गणना में भ्रमित नहीं किया होता, अत्याचार नहीं बढ़ता, तो कृष्ण का अवतार हो। आज भी भक्ति की वेदनाओं को देखते हुए अगर देव ऋषि नारद ने अथक प्रयास नहीं किया होता, सत्य सनातन सनत कुमार, शौनक जी, सूत जी, शुकत देव जी, सभी ऋषियों से मिल करके अगर विनम्र भाव से चर्चा नहीं की होती, तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता। देव ऋषि नारद ने जब भी युक्ति लगाया, जगत कल्याण के लिए लगाया। आज के नारद स्व कल्याण की बात करते हैं, क्योंकि ये विलोमाभासी है, इसलिए उस नारद से इस नारद की तुलना ना करा जाए तो अच्छी बात। देव ऋषि नारद ध्यान मग्न होकर चले जा रहे हैं और सूत जी के समक्ष पहुंचते हैं। आनंदित होकर आप सारे लोग भी चल पर मन नारायण 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 नारायण
आदि ऋषि भागवत के महत्व को बताते हैं कि मूढ़ सटाए पशु पड़ी छत्रेव सर्वे निष्पापत भवन्ति अतो त्रिलोके निननास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम्। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से मूढ़ मूर्ख सट अज्ञानी पशु पक्षी ये भी निष्पाप हो जाते। जिस कन्या को सुंदर वर ना मिलता हो, नित्य आकर एकाग्रचित होकर भागवत कथा का श्रवण करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे, तो उसे सुंदर घर और सुंदर वर की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं को रजबंध कन्याबंध स्नायुबंध हो, संतान की प्राप्ति ना होती हो, नित्य एकाग्रचित होकर कथा का श्रवण करें, मन ही मन जाप करें और संकल्प लें कि जिस दिन मेरे घर में मंगल कार्य होगा, मेरी गोद भरेगी, मैं भागवत भगवान को घर में विराजित करके श्रवण करूं, उससे पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है। जिनके घरों में अकाल मृत्यु हो जाती है, पितृदोष लग जाता है, अगर वो एकाग्रचित होकर के निष्पाप होकर के ब्रह्मचर्य को धारण करके कथा किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को ऊंचा उठाने के लिए नहीं करी जाती है। कथा तो सिर्फ स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मति मातम अंतःकरण की सुख प्राप्ति के लिए कथा। अगर इस तरीके से एकाग्र भाव से घर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं तो पितरों को मोक्ष मिल जाता है, पितृ दोष से भी व्यक्ति नहीं। अज्ञानता में जाने अनजाने में अगर किसी को श्राप लग जाता है उससे भी मुक्ति श्रीमद् भागवत से मिल जाती है। और जिस घर में रोज सुबह पांच बजे घर का मुख्य द्वार खुल जाना चाहिए, अब तो खैर सूर्यवंशी हो गए ना लोग, चंद्रवंश समाप्त सा होने लगा है। मतलब सूर्य के चढ़ने तक हम सोते हैं, 7 बजे 8 बजे बच्चों को जगाओ, मातृ शक्तियों को जगाओ। प्रामाणिकता यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में जब सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, प्रभु के आगमन का समय होता है, तब आपका मुख्य द्वार बंद होता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में घर का द्वार खोल दिया जाए, साइंटिफिक रीजंस भी हैं उसके, बहुत ज्यादा नेचुरल हवाएं आती हैं, निगेटिव एनर्जीज बाहर जाती हैं, बैक्टीरियाज लास्ट होते हैं। जैसे बेडरूम में अंधेरा नहीं रखना चाहिए, नहीं पति पत्नी में हमेशा झगड़ा हो, लाल बल्ब लगाया करो। ड्राइंग रूम में अगर ग्रीन कलर का बल्ब है तो पॉजिटिव रहेंगे आप। सलमान खान की फोटो मत लगाइए उधर, और फोटो लगाने का भी जगह है, उत्तर की दीवार पे कभी फोटो ना लगाए। उत्तर की दीवार पे सिर्फ और सिर्फ जो लोग ब्रह्मलीन हो जाते हैं उन्हीं की तस्वीरें लगाई जा सकती है, या फिर दक्षिण मुखी हनुमान। श्रीमद् भागवत कथा के अंदर एक एक वस्तु का ज्ञान है, लेकिन हम टाइम पास करते हैं।
मैं एक लाइन में कहूंगा समय को देखते हुए कि असंभवेन संभाविताम कुर्यात दस लक्षणम एकाग्र भावनम श्रवणम कुरते सर्वम फलवति इति भागवतम। जो भी वस्तु दुनिया में असंभव है, किसी से नहीं हो सकता, वो एकाग्रचित होकर के श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से मिलता है, मिलता है, मिलता है, ऐसा वेदों में रचा श्रीमद् भागवत। अब आपकी कथा में अभी प्रथम श्लोक पे देखिए, वही चीज आपको सुनने को। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूमम उत्पन्न उत्तमा यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सति कर्म तत्परः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद ओतयस्माते स्तु निष्णातो शरणे। सौनक ऋषि कहते हैं, देखो जैसे मैंने बताया, भागवत वो कर सकता है जो आपके मन में भाव आ जाए, लेकिन निष्काम भाव। आप कहते ना भजन, ये ताली बजाना, गीत गाना, ये भजन नहीं है। हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि अगर संकीर्तन में भी मन मस्तिष्क एकाग्र नहीं है, चित्त से अगर दुर्वृत्ति दूर नहीं हुई है, मानस पटल पर प्रभु की छवि अंकित नहीं है, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया एकाग्र होकर हरि शरण में नहीं है, तो मनोरंजन के सिवाय कुछ नहीं। भा भाव जा ज्योति ना निष्काम, तब होता है भजन। भजन के प्रति मेरी एक छोटी सी कल्पना। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। जिसके ये बयान थे, चलने वाले
संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। इतना मन में विचार, इतना मन में विचार, बस हो गया बदल। सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी आहार पे भी निर्भर है। सनकादि ऋषि ने कहा कि देखो, तुंगभद्रा नदी के तट पे आत्मदेव का निवास है। बड़ा सुंदर शब्द कहा है उन्होंने कि जिनकी कीर्ति बड़ी निर्मल है, वैद्य विशारद, विशारद एक डिग्री है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट है। जैसे हम लोग ने प्रथमा किया, माध्यमा किया, उत्तमा किया, वैद्य विशारद भी किया हमने, आयुर्वेद रत्न की डिग्री ली, फिर साहित्य रत्न हुए, कई भाषाओं में साहित्य रत्न मेरा, बात गुरु महाराज जी की, फिजियो तो आउट ऑफ इंडिया से किया, लखनऊ मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर की पढ़ाई करी, लेकिन इन सारी चीज़ों का श्रेय मेरे गुरुदेव को जाता है, क्योंकि अगर गुरु का अच्छा नहीं मिलता तो मैं कुछ भी नहीं। एक बार एक गुरु ने चिलम बनाना चालू किया मिट्टी का, ऐसे ऐसे तो बाबा लोग कहते ना, डमरू वाले बाबा, खप्पर वाले माई, तू कमा कमा के लाई, हम बैठ बैठ के खाई, ऐसे दुए मारते। गिरनारी तेरा भरोसा भाई, मैं जब नया नया थानापति बन के गया गिरनार में तो मेरी समझ में आई नहीं, मैं उस समय शास्त्री पूरा करके कैलाश में पढ़ाई कर रहा था और गिरनार का थानापति बना दिया गया वाहन अखाड़े से, तो रोज दिन भर यही सुनने को मिलता था, एक से एक तो है। तो उसी तरीके से आकार बनाया, अचानक गुरु स्वरूप यानी कुम्हार रूपी गुरु का दिमाग बदल गया और उसने उससे चिलम की जगह मटका बना दिया। उस मिट्टी ने प्रश्न किया, भाई मेरे गुरुदेव ऐसा क्यों करते हो आप? बोले मैं जो करता हूं अच्छा करता हूं। बोले तो आप तो मुझे चिलम बना रहे थे, अब मटका क्यों बना दिया? बीबीए के लड़के को आईएएस की तरफ कन्वर्ट करो तो ऐसे ही बोलता है ना, फिर 20 लाख क्यों पढ़ाया, आईएएस ही बनाना था तो नहीं भेजते। बीबीएस वाले को बोले आईएएस की तैयारी कर तो सुनाएगा ना, भले आईएएस बन जाए लेकिन बुजुर्गों को उनके भविष्य का क्या ले। गुरुजी से प्रश्न किया, आपने जब चिलम बनाना शुरू किया था तो मटका क्यों बनाया? मैं इसलिए बनाया कि अगर तू चिलम बनता तो पहली बार तू आग में जलता। चिलम बनाता तो पहली बार तू आग में जलता और तेरे हृदय में आग रखता और दूसरे को जलाता, इसलिए मैंने तुझे चिलम नहीं बनाया। और मटका इसलिए बनाया कि तू एक बार जलेगा
लेकिन हृदय में शीतलता रखेगा और लोगों को शीतल करेगा, ऐसा गुरु मिले तो बहु पार। आत्मदेव के जीवन में सब कुछ है, वेद मर्मज्ञ है, मानस मर्मज्ञ है, सब कुछ, सारी दुनिया की सुख सुविधाएं हैं। लेकिन मैं अक्सर लिखता हूँ, किताबें खूब मिलती हैं मगर चिंतन नहीं मिलता, किताबें खूब मिलती हैं मगर चिंतन नहीं मिलता, जिसे है मौत की चाहत उसे जीवन कहाँ मिलता, और ब्रह्मांडपुरी कौन है जग में, ब्रह्मांडपुरी कौन है जग में, जिसे सब कुछ दिया प्रभु ने, किसी को गुण नहीं मिलता, किसी को धन नहीं मिलता। आत्मदेव जी के पास सब कुछ, ज्ञान है, विवेक है, धन है, संपदा है, चतुर्थ प्रकार की संपदाओं में कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरे भाई बहन, एक बहुत बड़ी कमी है। जीवन में तीन चार सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में माया, सत्वंती नारी और पुत्र आज्ञाकारी, सदाचारी नहीं कहूंगा, बाप दो नंबर का काम करता हो तो गड़बड़ हो सकता है। जिस तरीके से नदी के दो किनारे हैं ना, ऐसे इस जीवन में, संसार में पति और पत्नी संसार रूपी छत की दो दीवाले, दोनों का अपना दायित्व संभाल के रखना चाहिए। अगर एक भी डिसबैलेंस हो जाए ना तो तकलीफ होती है। आत्मदेव बहुत ही ज्ञानी है, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली, जिसकी नाम है तथेगुण, जिसकी मानसिकता धुंधली हो, क्षण मात्र में निराकारण क्रोधित हो जाए, सब कुछ मिले उसे संभालते ना आए, व्यक्ति परमात्मा की ओर कब आता है। कमाता लाख धन दौलत इंसान को काफी जरूर होता है, न करता याद ईश्वर को दौलत का जरूर होता है, मगर करता है याद ईश्वर को उस पल जब उससे कुछ नहीं होता, हर तरफ से मजबूर है। आज आत्मदेव पत्नी के जीवन में या अपने जीवन में हर्ष उल्लास आनंद की व्यवस्था को देख करके प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन आज उनके घर में पुत्र नहीं, एक पुत्र प्राप्ति के लिए सांसारिक जीवन किस हद तक गुजर जाता है। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहेगा दोनों का सेम ब्लड ग्रुप है, ट्यूब ब्लॉकेज है, हार्मोन्स की कमी है, स्पर्म की कमी है, लास्ट में IVF की बात करेंगे, लेकिन मेडिकल साइंटिफिक एक पल के लिए मेरे भाई बहन कल्पना करो जरा, एक माँ जिसको बच्चा नहीं है, पड़ोसी के बच्चे को अपने जैसा लाड करके चॉकलेट देती है, आलिंगन करती है, चुंबन करती है गलती से, अगर उसे बुखार आ जाए तो पड़ोसी कहते हैं खुद तो बांच है और मेरे बच्चे के साथ भी कुछ कुवृत्ति है। आत्मदेव पुत्र के लिए त्रसित हो रहे हैं, इतने ही नहीं, आत्मदेव जिस वृक्ष को लगाए वो फल देना छोड़ दे,
जिस गाय को लाए वो बच्चा देना छोड़ दे, पूर्ण रूप से यश कहीं भी नहीं, हर तरफ से दुखी हो गए हैं महाराज। ज्योतिषी क्षेत्र से देखा जाए तो अगर आपकी राशि का मंगल निम्न भाव में जाएगा तो संघर्ष कराएगा, और सूर्य नीच भाव में जाएगा तो यश नहीं मिलेगा। और अगर बुध और राहु एक ही कुंडली में बैठ जाएंगे तो अकाल मृत्यु एक्सीडेंट का योग बन जाएगा, क्योंकि तो शनि मित्र है, शनि शत्रु है, शनि से ज्यादा दूरी नहीं बनानी चाहिए। शनि अगर उच्च भाव में है ना तो आपको लाभान्वित भी करते हैं, बाकी जिसके राशि का गुरु उच्च भाव में रहे उसका तो। लेकिन हमारा विषय नहीं है ये, हम ज्योतिषी नहीं है, उस तरफ ना जाए। आज आत्मदेव ने निर्णय लिया कि अगर मेरे घर में एक पुत्र रत्न ही नहीं है तो मेरे जीने का क्या मकसद। और आज आत्मदेव अपने घर से निकल पड़े हैं कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगा। कल्पना करके देखो ना कैसा लग रहा होगा, सर्वस्व होते हुए राज्य है, साम्राज्य है, भोज्य है, भोजन है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, रोमांचन है, हर्ष है, उल्लास है, धन है, वैभव है, भू लक्ष्मी की कमी नहीं है, श्री लक्ष्मी की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, लेकिन मात्र एक कमी है। रुदन करते हैं, तड़पते जा रहे हैं, घर छोड़कर निकल पड़े। आपको पता है जब ये जीवात्मा आती है तो इसके साथ एक वस्तु साथ साथ आती है, वो हमारे साथ ऐसी चलती है जैसे बगुला एक तालाब में एकाग्र स्थिर भाव से खड़ा होता है ना, मौका मिलते ही शिकार कर। ऐसी ही एक वस्तु हमारे जीवन में आती है, जीवात्मा के साथ ही आती है, और उसका नाम है संशय। संशय आत्मना विनाशय। अगर आप पर दुनिया ने संशय किया है तो उसका निदान आपके पास सत्य है। अगर आपका दुनिया ने आलोचना किया है तो आपके कर्म उसका उत्तर दे देंगे। लेकिन जब हमें स्वयं सेल्फ कॉन्फिडेंस ना रहे, जब हमें हमारे किए हुए कर्म के फल पे संशय होने लगे, जब हमें प्रभु की पाई हुई कृपा पे संशय होने लगे, तब ये दशा करनी। आज चौथे पन में आत्मदेव चल पड़े और आत्मदेव की दशा ऐसी हो रही है कि अब इस दुनिया में कोई नहीं है। तिवारी बाबा अगला जो करुण ऋषि बता दो, आज आत्मदेव कहते नहीं मैं आत्महत्या करूंगी क्योंकि मैंने आज दुनिया का अनुभव ले लिया। कि देख लिया दुनिया का ये सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई I'm
चल जाए जिन प्रवक्ताओं के साथ किया है उन्हें अभी रसों का ज्ञान नहीं है ना, इसलिए ध्यान रखिए करुण रस है, हास्य रस है, विरह है ना, वीर रस है। अब मान लो मैं अभी शुरू कर दूंगा कि जटा टबी जगत ज्वला प्रचंड पाव सायके दिनत दिनत के आधार से कहा